देवरिया जिले के परबत्ता प्रखंड अंतर्गत कुल्हरिया गांव निवासी शशिकांत कुमार के ज्येष्ठ सुपुत्र कौशल कुमार ने अपने पिता से शराब के लिए पैसे की मांग की। पिता ने किया इनकार तो बेटे ने अपने पिता पर किया जानलेवा हमला, जिससे शशिकांत कुमार अपने बड़े सुपुत्र कौशल कुमार के मार से बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। वहीं पिता के छोटे सुपुत्र व शराब के फैन के छोटे भाई प्रेम कुमार ने अपने भैया के गलत करतूतों का विरोध किया तो शराब प्रेमी ने अपने छोटे भाई प्रेम से भी किया मारपीट, जिसके कारण छोटे भाई प्रेम और पिता शशिकांत कुमार अर्थात बाप बेटे ने अपने प्राथमिकी उपचार के लिए सीएचसी परबत्ता पहुंचे, जहां सीएचसी परबत्ता में कार्यरत चिकित्सक डॉक्टर एचएम शर्मा ने विधिवत प्राथमिक उपचार कर दोनों जख्मी मरीजों को वापस घर भेज दिया है। अंततः जख्मी मरीजों ने शराबी कौशल कुमार के खिलाफ परबत्ता थाने में भी मुकदमा दर्ज कराया, जिसको लेकर परबत्ता थानाध्यक्ष संजय कुमार ने विश्वास जताया है कि परिजनों द्वारा मिले आवेदन के अनुसार छानबीन शुरू कर दी गई है और बहुत जल्द शराबी कौशल कुमार को गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई की जाएगी। बीएनपी न्यूज के लिए खगड़िया से संवाददाता संजीव कुमार की रिपोर्ट। आपका नाम क्या हुआ? शशिकांत कुमार। घर? कुल्हड़िया। और ये कैसे हुआ? बड़का बेटा मारा। बड़का बेटा क्यों मारा? दारू पीने के लिए बार बार पैसा मांगता, कनियन को भी मारता वो अपना परिवार को। पैसा नहीं इसलिए मारा? तो इसके बाद आप क्या कीजिएगा? पुलिस प्रशासन को जानकारी दिए? जानकारी देना पड़ेगा, दीजिएगा। चलिए धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? प्रेम कुमार। घर? कुल्हड़िया। ये कैसे हुआ मारपीट? भैया आपको मारा है? ये कौन है? पापा है। आप दोनों को भैया मारे हैं? काहे मारा है? कौन दारू पानी पीने के लिए पैसा मांग कर रहे थे, इसलिए नहीं देने पे मारपीट किए। कब मारपीट हुआ? आज। भैया क्या नाम है? कौशल। कौशल कुमार। उसके भैया के पिताजी क्या नाम हुआ? धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? नीरज कुमार। घर? ये आपके कौन लगते हैं पेशेंट? चाचा। चाचा लगते हैं। ये मारपीट कैसे हुआ था? हम लोग तो उस समय घर पे नहीं थे, हम तो फोन करके बुलाया गया तब फिर हम गए। इसमें किसकी गलती हो सकती है, कैसे हुआ कुछ अंदाजा लगा सकते हैं? अनुमान घर था, टाइम का लड़का था, नहीं थे हम तो नहीं थे, हमको फोन किया हम गए वहाँ। चलिए।